ब्रेक पर ओडिशा प्राइम बुलेटिन को पुनि थरे स्वागत। केन्द्रापड़ा जिला मर्साखाई ब्लॉक रो विभिन्न पंचायत रे पिठा कार्यक्रम अनुष्ठित होई जाइछि। एई अवसर रे हिंदुलिया पंचायत मर्साखाई पंचायत रे आयोजित पिठा कार्यक्रम रे शिशु और महिला अधिकारी मनोरम स्वाई ब्लॉक अध्यक्ष शीतलात परिडा एवं उपाध्यक्ष ममतामय प्रधान जोग दिथिले। सरकार विभिन्न योजना विषय आलोचना करबा सहित भर्ता बंटन और कालिया योजना पंजीकरण कार्यक्रम अनुष्ठित होइतला। ए कार्यक्रम रे शताधिक हिताधिकारी माने योगदान दिथिले। हिंदुलिया पंचायत जो पिठा प्रोग्राम रे तो आसी पहुँचला बेलू बहुत लोक स्त्री लोक मैंने तो फुल हो जाए आधे स्त्री लोक मैंने भी बस जगह पा ना आ पुरुष लोक मान कथा तो छाड़ पुरुष लोक मैंने पचरा जाते बहुत लोक कितना विशेषकर नवीन पट्टनायक आमर जो ओडिशा रो माननीय मुख्यमंत्री आमर लोकप्रियता मुख्यमंत्री तेणु सी आदर्श मुख्यमंत्री तेणु ये लोक मान पिठा प्रस्तुत कर लोक मान विकास करने यह सब विषय धारे से पिठा प्रस्तुत आयोजन कर। केन्द्रापड़ा ब्लॉक अंतर्गत बगड़ा स्थित सिद्ध मरीचयणी विद्यापीठ सुवर्ण जयंती उत्सव में जोगदे महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल आयोजित उत्सव में विश्व आज आश्चर्य चकित कर विज्ञान अग्रगति जो खोला हृदय प्रेम और करुणार सहित विज्ञान सह आगे पड़े स्वाभाविक भाव विज्ञान सारा दुनिया प्रगति करुवा बेले मनुष्य जीवन परिभाषा को बुझा संभव हो पाए ना झील मैंने पृथ्वी में अवतार ग्रहण कर समग्र विश्व में ओडिशा भली राज्य क्योंठी नहीं ओडिशा हूँ स्नेह दया प्रेम करुणा सहित्र राज्य बोली राज्यपाल तेज आज पिला आत्मबल सृष्टि कर आवश्यकता रही है राज्यपाल कहते वैसे मैं मेरे निश्चित कर्तव्य के अनुसार धर्म के अनुसार पूरे उड़ीसा प्रदेश में मिलना घूमना माताओं को पुरुषों को और विशेषकर बच्चों से मिलना और बच्चों को ये एहसास कराना कि वो प्रभु जगन्नाथ के बलदेव के पुत्र हैं पुत्रियां हैं भाई बहन ये एहसास कराना चाहता हूँ उड़ीसा की मेरे प्रदेश की आमरो प्रदेश जिसको मैं कहता हूँ कि हर बच्चा बच्ची वह डिवाइन है वह ईश्वरीय है ये एहसास बच्चा और बच्ची को होना यहाँ के लोगों को होना यहाँ के लोगों को तो है लेकिन बच्चा और बच्ची को भी ये एहसास हो जाए शिक्षा ग्रहण करते समय यही केवल मात्र एक बात और दूसरा विशेष रूप से उनको मिलकर उनकी कोई समस्या है। केन्दुझर जिलार आदिवासी मानक मध्यरे एबे भी भरी रही अंधविश्वास। केन्दुझर सदर ब्लॉक बरदापाल पंचायत रुगुड़ी साहि रही 25 ऊर्ध मुंडा परिवार समानक परंपरा अनुजाई मकर संक्रांति दिन शिशु पेटर चेक दे जीवन जाक आउ रोग हुए ना और यह अंधविश्वास वर्षवर्त हुए गाँव रणे कि दुईज नुहे एकाथर के 56 जन शिशु पेटर दि जाएगी गरम चेक प्रथा अनुजाई मकर संक्रांति दिन ग्राम दांड एकाठी होती सबू पर सब पर समस्त शिशु ग्राम दांड को आसपाक बाध्य ग्रामर दिशारी एक गरम लुहा रड में समस्त पेटर चेक देता है। परंपरा वर्ष वर्ष धरी चली आसूसी यह सत्वे से मध्यरु किपरि अंधविश्वास दूर हेबो से नहीं प्रशासन कौन पदक्षेप न नेबा नै साधारण उद्वेग प्रकाश पाई। केन्दुझर जिला घटगाँ ब्लॉक अंतर्गत मुकुंदपुर पाठण पंचायत आनुकूल्य स्थानीय राजीव गांधी सेवा केन्द्र ठारे राज्य सरकार द्वितीय पर्याय पिठा कार्यक्रम अनुषित होती। मुकुंदपुर पाठणा सरपंच अन्नपूर्णा देहरी अध्यक्षत अनुषित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव राज्य सरकार विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री बद्री नारायण पात्र जोगदे सरकार विभिन्न योजना बाबद उपस्थित थोड़ा जनसाधारण को सचेतन कराते अन्यतम अतिथि भाव में घटगाँ विडीओ जीपीओ विद्युत विभाग एसडीओ प्रमुख जोगद कार्यक्रम में मधुबाबू पेंशन योजन 42 जन हिताधिकारी भत्ता बंटन कर। ज्ञान ही बड़ जहाँ ज्ञान ना से दुर्बल लोक तेणु सरकार अनेशत प्रोग्राम कर प्रोग्राम करते असंख्य योजनार सफल रूपायन हम लोक मैंने सुविधा पाए यार उपयोग हो पार से लोक सचेतन करने पिठा कार्यक्रम मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सब योजना बाबद लोक मैंने अवगत हे ये योजना लक्ष्य कौन ये योजना क्या उद्दिष्ट किए पाइबा कथा किए पाइबा कथा नुहे एलिजिबिलिटी कौन है ये सब जानवाप पिठा कार्यक्रम है।
पिठा कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य है आम राज्य सरकार जो विभिन्न जनहितकर योजना लोक मान पाखे पहुँचवा हूँ यही पिठा कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य एवं यही द्वितीय दिन में आम आज आम पंचायत 42 जन को भत्ता प्रदान कलु 4 जन को आम NFPS 20,000 टंका सहायता पाइले सहित आम राशन कार्ड LED लाइट एवं स्वयं सहायक गोष्ठी मान को विभिन्न प्रोत्साहन राशि प्रदान कर केन्दुझर जिला हरिचंदनपुर ग्राम से रही समस्त पोखरी गुड़िक अलिया आवर्जना पड़ रही बेले यहाँ प्रशासन नजर पड़ू ना तेज खबर अनुजाई एठे रोकवा बड़ पोखरी नुआ पोखरी और हनुमान पोखरी ए तीनोटी पोखरी उपर प्रत्येक ग्राम लोक स्थानीय बजार लोक मेडिकल और जनसाधारण लोक मैंने निर्भर करते पोखरी गुड़िक दीर्घ दिन हम पंक उधार हो नोखरी गुड़िकर दुरावस्था न कहले न चले तेज लोक मैंने गाधोवा आरंभ कर विभिन्न नित्यकर्म करते दुख परितापर विषय आज को दीर्घ वर्ष हे पोखरी गुड़िक सफा कर लोक मैंने ना ना हईराण हरकत होता देखा मिलता तबे पोखरी गुड़ी को सफा करने स्थानीय लोक मैंने ब्लॉक ठार आरंभ कर जिला प्रशासन पाखे गुहारी करते कि सुफल हो नाला अवश्य पंचायत काम आम हरचंदपुर पंचायत सरपंच को आम बहुवार कहलु आम वार्ड मेम्बर मान को भी बहुवार कहलु आ पोखर परिस्थित देखेलु जे खंडीय पोखरी आ बहुत लोग ये कारबार कर पंचायत तरफ किसी खर्च हो सफा करा जाओ किंतु बहुवार कहिया पर भी से कर्णपात कले यार भी व्यवस्था कले एणु बाध्य है कि पिला कही कह कि सफाई चलिए आओ हरिहर साहू ये हरिचंदपुर हनुमान मंदिर पाखे पोखरी थी बहुत अपरिष्कार तेणु मेडिकल फेडिकाल समस्ते साईवासी समस्ते ये गादा पादा जात्री भी करेणु आगे टे सफा सफी करने प्रशासन भी किसी आपने गुरुत्व दौन तेणु आम बाध्य कुमार दास पोखरी आमर आज्ञा हरिचंदनपुर ये गोटे पोखरी समस्ते गाँ सारा लोक तारी उपरे निर्भर करते गाधवा सब क्षेत्र में आउ पोखरी कथा कहीं शुणुना कहीं देखुना मयूरभंज जिला बारीपदा स्थित कलेक्टर ऑफिस रे विभिन्न स्थान धान चाषी धारण में बसी देखा मिली कुलियाणा ब्लॉक स्थित भूईगड़ा कुचे लैंप और चांदुआ ब्लॉक विभिन्न लैंप चाषी मान धान किणा जा चाषी मैंने उपाय नपाई बाध्य मयूरभंज जिलापा कार्यालय परिसर में धान रखी धारण में बसी रही देखा मिली दुखर विषय है कि बेआईन भाव बहुमें बेसरकारी धान बेपारी धान किणी बाहर राज्य को पठाऊ सरकारी स्तर यह अणदेखा करा बेले धान किणा नजा बोझ उपर नलिता विड़ा पलटि सुवर्णपुर जिला राणीपुर ग्राम से गतकाली होता मकर भोजी खाई प्राय 40 ऊर्ध तरल झाड़ आक्रांत होती गत रात 10-15 थर लेखाएं प्रत्येक लोक झाड़ा जाता ग्रामवासी अभियोग करते तेज क्यों कारण यह व्यापी स्पष्ट जमापड़ बेले वीर महाराजपुर उपखंड डाक्तखान एक डाक्तरी दल गांव को आसी चिकित्सा करते तेज एवं स्थित सुधुरी जमापड़ी मुझे देखिली फिल्ड जे आम MHU टीम रोगी सेवा कर ट्रीटमेंट दौंती आओ गला काली ठारू यही गाँव में डायरिया होउची डायरिया माने केवल झाड़ा बांति नहीं कहीं ना गला काली माने मकर महोत्सव करते भोजी कर खाई से मकर महोत्सव में पूजा अर्चना कर भोजी कर गाँव में जद्वारा कि से जो पानी कौठ नहीं से विषय पचार पाख कू नहीं कूर पानी नहीं डग ओल से जन पर्सनाल बाबू नाम मिस्टर एके होता मकर संक्रांति थी से भोग खाई गला रात झाड़ा छात खे गली नमी डाक्टर से मेडिसीन पतर देके मेडिसीन पतर खाई हाथ भल लगे सुंदरगढ़ जिला राजगांगपुर ब्लॉक कुथरा थाना अंतर्गत गरियामुंडा ग्राम से एक डंफर धक्के स्थानीय शिशु विद्या मंदिर चतुर्थ श्रेणी छात्री नमिता लाडखाई घटनास्थल में मृत्यु होता बेले फ्रिज रे मृतदेह को रखी ग्रामवासी माने रास्ता अवरोध करने सहित 15,000 टंका प्रशासन पाखे दावी करते घटनास्थल में राजगांगपुर और कृति थाना वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रही घटनास्थल में शांति आने चेष्टा करते
କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆସିଲା ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 60 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ଲକ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। 21 ଓ 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବ, ଆଉ ଏଥିରେ ମୋଟ 12,40,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବେଦନ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ 6 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ବଡ଼ସାହି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ନାବାଳିକା ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କମଳ ଲୋଚନ ସିଂ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ବାହାନରେ ନାବାଳିକାକୁ ଡାକି ନେଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ସାବରିମାଳା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପରେ କିଛିଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ପୁଣିଥରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିଛି। ଏ ମହିଳା 2 ଜଣ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ 1 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ ନ କରି ଫେରିବେନି, କାରଣ ସେମାନେ 41 ଦିନ ହେଲା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି 2 ଜଣ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା 1 9-ଜଣିଆ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପାମ୍ପା ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର କେରଳର କନ୍ନରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଠାରେ ଆୟପ୍ପାନ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆୟପ୍ପାନ ଭଗବାନ ମହିଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶକୁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମାନେ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଚାଲିଛି କୁମ୍ଭମେଳା, ଆଉ ଏହି କୁମ୍ଭମେଳାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ସନ୍ଥ। ସୁଦୂରରୁ ରୁଷ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ଆସ୍ଥା ରଖୁଥିବା ଏହି ବିଦେଶୀମାନେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଶତାଧିକ ବିଦେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତ ଓ ନାଗାସାଧୁଙ୍କ ସମାଗମ ଏଥର ପ୍ରୟାଗରାଜ କୁମ୍ଭମେଳାର ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ନାଗାସାଧୁ ଏକାଠି ଏହି ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ସହାୟତାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଓ ସରସ୍ୱତୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବ୍ରତ ପକାଇବା ପାଇଁ 12 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଆସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।